अभी चल। फ्रेम में देख सकते हैं कार्ड, चार नंबर। सही। इधर से भी देखेंगे ये कार्ड। सही। ठीक है, क्या दिख रहा? चार नंबर। जब मैं इसमें मैजिक करता हूँ, इस कार्ड को मैजिक करता हूँ, तो ये चेंज हो जाता है। ये क्या हो जाता है? ये गुलाम बन जाता है। वाह ताज, वाह वाह ताज, वाह जबरदस्त। मैं आपको आज ऐसी मैजिक दिखा रहा हूँ जो इसमें एक दो ऐसी मैजिक है जो किसी चैनल पे नहीं दिखाया। मैं मैजिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपको रिक्वेस्ट है यार, मेरी बाइक तो आपने देखी है, बहुत पुरानी है, तो यार मुझे ये बाइक न्यू करके दें, मेरे बड़ा मसला होता है, मैं पूरे कराची में ट्रैवलिंग करता हूँ ना, ये बाइक बहुत पुरानी होगी, इसको यार आप न्यू करके दें। मैं इंशाल्लाह आपको ये न्यू बाइक क्या है, मैं आपको 1-5 बाइक दूंगा, बस गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करे। गवर्नमेंट को चाहिए कि मुझे सपोर्ट करे, क्योंकि मैं नहीं कहता हूँ, हमारे जो कॉमेंट्स है वो देखें, लोगों के वो देखें, लोग खुद कहते हैं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लोग कहते हैं कि यार आपके हाथ में सफाई है, आपके हाथ में टैलेंट है। हज़ारों डॉलर की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अंग्रेज, वो बड़े बड़े डब्बे चीज़ें, मैं फोम जो ज़मीन पे गिरा हुआ है, अखबार, आइसक्रीम की डंडी, डिस्पोजल गिलास, लाइटर, माचिस, आप कहेंगे तो दोबारा वीडियो इससे भी अच्छी बना के पेश करूंगा। आप घर बैठे बेहतरीन मैजिक देख सकते हैं। आपका काम है इसको लाइक शेयर करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतने लोगों को पता चलेगा, लोग मेरे पास आएंगे, मैजिक खरीदेंगे, मेरी आमदनी में इजाफा होगा, मैं कोई नई चीज़ें बनाऊंगा उससे। ये ओरिजिनल आ गए, छू भी सकते हैं आप, चेक भी कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अब मैं कपड़े पे लगाऊंगा, ये धागा नहीं जलेगा, ये देख सकते हैं। सही। जल रहा है? नहीं, बिल्कुल। ये किसी के भी कपड़े में कर सकते हैं। ये माचिस वाला होता है, ये आम माचिस है, दुनिया में हर जगह मिलता है, आप कहीं से भी ले लें। सही। आप दिखाना, तीली आप कहीं से भी जला सकते हैं, तीली आप हवा से भी जला सकते हैं, तीली भी आपका होगा, आप किसी भी जगह से। अब जैसे ये आप चाहे तो इस तीली को हवा से भी जला सकते हैं। ये तीली पकड़ा आपने, हवा में झटके दिए, तो ये तीली हवा से भी जलता है। देखिए मेरे हाथ में एक ताश का पत्ता है। सही, सही है, ये दिख रहा है आपको? सही दिख रहा है, ताश के पत्ते दिख रहे हैं। सही। जब मैं इसको मैजिक करता हूँ, जब मैजिक करता हूँ तो ये चॉकलेट हो गया। जबरदस्त। तो दिखाया छोटा है, बंद किया, मैजिक करते हैं बड़ा हो जाता, टाइम नहीं लेते। ये देखिए कुछ नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं। जब मैं मैजिक करता हूँ तो तस्वीरें भर जाती है। इस मैजिक के मैजिशियन हजारों रुपए ले लेते हैं। मैं फुटपाथ के ऊपर 100-200-300 रुपए में बेचता हूँ। आप देखिए शादी ब्याह सालगिरह वगैरह में दिखा तो आपको हैरत हो जाएगी। ये मेरे पास सादे कागज़ है, कुछ नज़र आ रहा है? नहीं, बिल्कुल सादे। हाथ में कुछ है? कुछ भी नहीं है। सादे कागज़ में एक बंदे के हाथ में रख देता हूँ। क्या रखता हूँ? सादे कागज़। जब मैं निकालता हूँ तो नोट बन जाता है। ज़बरदस्त। आप दिखा सकते हैं? हाँ। नोट हाथ में भी दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको अपनी ज़ुबान में रखे। इसी के साथ करते हैं आज का बेहतरीन व्लॉग शुरू। तो व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जोड़िया बाज़ार के अंदर, और मेरे साथ मौजूद हैं जोड़िया बाज़ार के जादूगर। असल में यार ये जादूगर नहीं, इनको जादूगर बना दिया गया है, ये मैजिक करते हैं, और माशाल्लाह इनके पास मैजिक की ऐसी ट्रिक्स हैं, लोग जब देखते हैं तो वो मजबूर हो जाते हैं, इनको मजबूरन बोलना पड़ता है जनाब जोड़िया बाज़ार का जादूगर। असल में ये मैजिक करते हैं, इनके पास बहुत ही ज़बरदस्त मैजिक होते हैं, और ये पिछले 20 सालों से जोड़िया बाज़ार के अंदर मैजिक कर रहे हैं और लोगों को मसा इंटरटेनमेंट करते हैं। तो बस बदकिस्मत सीधे कि इनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ना ही किसी गवर्नमेंट के किसी इदारे ने, ना किसी बड़ी न्यूज़ वालों ने। तो ये 20 साल से जोड़िया बाज़ार के अंदर हैं, अगर इनको सपोर्ट करते तो आज ये ना होते और इंटरनेशनल सतह पर होते। तो हमारे साथ ताज भाई मौजूद हैं, ताज भाई से आज पूछते हैं कि ताज भाई आज हमें कौन से मैजिक करके दिखाने वाले हैं। वालेकुम सलाम। मैं आपको आज ऐसी मैजिक दिखा रहा हूँ जो इसमें एक दो ऐसी मैजिक है जो किसी चैनल पे नहीं दिखाया, वो आपको दिखाएंगे। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग आ रहे हैं। अच्छा। और मैजिक सीख रहे हैं। इसकी वजह यह कि इस महंगाई में मैं 100 रुपए की मैजिक देता हूँ। अच्छा। 100 रुपए की कोई अहमियत नहीं है, आप अगर अदरक एक पाव लेने जाएँ तो 100 रुपए की है। 100 रुपए में मैजिक भी देते हैं और टेक्निक भी सिखाते हैं। अच्छा। और उस मैजिक को देख के आप हैरत में पड़ जाते हैं। आप 1000 रुपए के बच्चों को खिलौने दिला दें, उनके इतनी हैरत नहीं होगी जितनी एक हमारी मैजिक ट्रिक से हैरत होती है। अच्छा। तो यहाँ क्या टाइमिंग चलती है? मेरी यहाँ 1 बजे से 7 बजे तक होता हूँ, और संडे वाले दिन 12 बजे से 4 बजे तक। संडे वाले दिन बहुत सारे लोग आते हैं, छुट्टी होती है, फैमिली बच्चों को लेके, तो यहाँ मैजिक देखते हैं और वो मुझसे सीख के जाते हैं। अच्छा। कोई अनाड़ी बंदा है जिसको कुछ बताना हो तो आप कितनी देर में सिखा? 5 मिनट में। हम 5 मिनट में 5 मिनट में 5 मैजिक सिखा देंगे, क्योंकि मेरे पास मैजिक आसान होती है, बच्चों के लिए होती। अच्छा। बेसिक मैं 20 साल से बच्चों के मैजिक के ऊपर काम करता हूँ। अच्छा। मेरे पास जितने मैजिक है ये बच्चों के लिए, बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए।
क्योंकि बड़ों के लिए बहुत सारे इंटरटेनमेंट है। वो बाइक निकाले सीयू चले गए, वो कोई दोस्त में चले गए, उन्होंने कहीं और कर रहे। बच्चे घर में होते हैं, उनको इंटरटेनमेंट का मसला, वो कहीं जाने के लिए उनको किसी का सहारा चाहिए, किसी का साथ चाहिए, वो खुद अकेले तो नहीं जाएंगे क्लिफ्टन। तो इसलिए मेरा एक सोच है कि मैं बच्चों पे काम, मैं स्कूलों पे जाता हूँ, बच्चों को इंटरटेनमेंट करता हूँ। तो मेरा ये मिशन है, मैं गरीब स्कूलों में ज़्यादा जाता हूँ। ताजवी, मैं जो शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपको रिक्वेस्ट है यार, मेरी बाइक तो आपने देखी है, बहुत पुरानी है, तो यार मुझे ये बाइक न्यू करके दें, मेरे बड़ा मसला होता है, मैं पूरे कराची में ट्रैवलिंग करता हूँ ना, ये बाइक बहुत पुरानी होगी, इसको यार आप न्यू करके दें। मैं इंशाल्लाह आपको ये न्यू बाइक क्या है, मैं आपको 125 के दूंगा, बस गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करे। अच्छा। लोगों का सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह ये मेरा वादा दे दूंगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि मुझे सपोर्ट करे, क्योंकि मैं नहीं कहता हूँ, हमारे जो कमेंट्स है वो देखे, लोगों के वो देखे, लोग खुद कहते हैं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लोग कहते हैं कि यार आपके हाथ में सफाई है, आपके हाथ में टैलेंट है, आप हैरत वाली काम करते हो कि आप मामूली चीज़ों से मैजिक करते हैं। लोग जो है वो हज़ारों डॉलर की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अंग्रेज, वो बड़े बड़े डब्बे चीज़ें, मैं फोम जो ज़मीन पर गिरा हुआ है, अखबार, आइसक्रीम की डंडी, डिस्पोजल गिलास, लाइटर, माचिस, मैं जो भी चीज़ें उसे मैजिक करता हूँ, ये बिल्कुल कचरे वाली चीज़ें हैं। 100 रुपए के मैजिक है वो हर कोई ख़रीद लेता है। तो मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट्स दें, आप कहेंगे तो दोबारा वीडियो इससे भी अच्छी बना के पेश करूँगा। तंगेज, आप अगर शो भी देखने जाएंगे मैजिक, तो वो 500 रुपए 1000 रुपए ले लेगा देखने के, आप घर बैठे बेहतरीन मैजिक देख सकते हैं। बस मेरा काम था मैजिक दिखाना, आपका काम है इसको लाइक शेयर करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतने लोगों को पता चलेगा, लोग मेरे पास आएंगे, मैजिक खरीदेंगे, मेरी आमदनी में इजाफा होगा, मैं कोई नई चीज़ें बनाऊंगा उससे। तो भी बस माशाल्लाह से आपने देख लिया, और भाई ताज का जज्बा आपने देख लिया, कैसा जज्बा जरा अब इनका। तो अगर चैनल पे ना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को मैक्सिमम शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तो लोग देखें और भाई का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलते जनाब ताज भाई का, आज आपको ऐसे ज़बरदस्त मैजिक दिखाते हैं कि जनाब मैजिक इनके हाथ की ऐसी सफाई है कि भाई इनके बारे में मिसाल है कि दिन के तारे दिखा देते हैं। तो चलते जनाब ताज भाई के, आज आपको ज़बरदस्त मैजिक दिखाते हैं। देखिए मेरे हाथ में एक ताज का पत्ता है, सही है, ये दिख रहा है आपको? सही दिख रहा है, ताज के पत्ते दिख रहे हैं। जब मैं इसको मैजिक करता हूँ, जब मैजिक करता हूँ तो ये चॉकलेट बन जाता है। ज़बरदस्त, ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। फिर मैं दिखाता हूँ रुमाल, ये आपको दिख रहा है रुमाल? सही, ये खाली रुमाल को जब मैं मैजिक करता हूँ तो ये छड़ी बन जाता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये देखिए ये दो बॉल है, दिखा, एक बॉल मैं उठा के अपने मुट्ठी में रखता हूँ, किधर रखता हूँ? मुट्ठी। दूसरा बॉल आपको देता हूँ, मुट्ठी बंद करके एक बॉल मेरे हाथ में, एक बॉल आपके हाथ में। ये मैजिक से ये बॉल इधर जा सकता है ना, ये बॉल इधर आ सकता है? आ सकता है? नहीं आ सकता। मैजिक करेंगे आप, मुट्ठी खोलो दोनों बॉल आपके पास। ये तीन फूल है, तीन गिलास है, 1 2 3, किसी में सुराख नहीं, ठीक है। ये डिस्पोजल भी गिलास भी ले सकते हैं, जो लोग पी के फेंक देते हैं, हमारे पास वो मैजिक होता है जो मैं कागज़ और छोटी मोटी चीज़ों से बनाता हूँ फ्री। ये देखिए अब मैं ये ऊपर रखा हूँ, इसको बंद करता हूँ, ये नीचे आ जाता है। इसी तरह मैं दूसरा फूल उठा के ऊपर रखता हूँ, बंद करता हूँ, नीचे आ जाता है। तीनों फूल मैं आपके सामने इस बगैर सुराख वाले गिलास के ऊपर रखता हूँ, जब मैं मैजिक करता हूँ ये नीचे आ जाता है। अब हमारे पास फूल नहीं है, ठीक है, तीन फूल तीन गिलास, तीनों फूल नीचे आ गए। अब ये मैजिक वाला फूल मैं इसके अंदर डालता हूँ, ये चारों नीचे आ जाते हैं। गिलास में कोई सुराख साबित कर दे कि गिलास में कोई सुराख है, डबल है, मुड़ा हुआ है, जिस तरह साबित करना ये हाथ में लेके साबित कर सकते, ठीक है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ, दिखाया छोटा है, बंद किया, मैजिक करते हैं बड़ा हो जाता है। इसी तरह क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है, अगर स्कूलों में हो पार्क में जिसको बंदा आराम से दिखा सकता है, यहाँ पे हमारा रोजी का मसला, इस वजह से हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते। ये देखिए कुछ नज़र आ रहा है? कुछ भी नहीं। जब मैं मैजिक करता हूँ तो तस्वीरें भर जाती हैं, ठीक है, भर गई मैजिक। इसके अलावा अब ये देखें, ये सिक्का है, सही, सिक्का दोनों साइडों पे आपको दिख रहा है? दिख रहा है बिल्कुल, इधर भी दिख रहा है सिक्का, इधर भी। अब मैं सिक्का को उतार के मुट्ठी में रख लेता हूँ, सिक्का भी किधर है? मुट्ठी पे, मुट्ठी पे। ये मुट्ठी खोलता हूँ गायब हो जाता है। सिक्का किसी के भी जेब से निकाल सकते हैं, जो शख्स कहेगा कि भाई मेरे जेब से निकालो आप, ये जैसे ये सिक्का मैं इस कपड़े के नीचे डालता हूँ जेब की जगह, मैजिक करके निकालता हूँ तो सिक्का आ जाता है। सिक्का आप करिए दोनों साइडों पे दिखा सकते हैं, ठीक है।
अब ये देखें, ये एक मैजिक होता है हमारे पास, इसको मैं लिटा देता हूँ, जहाँ मर्जी वहाँ लिटा दे, जहाँ मर्जी इसको लिटा दे, ये लेट जाता है, सही, ये लेट गया, आप लेटाना इसको, आप रखो, आप रखोगे तो ये नहीं लेटेगा। इस तरह के हम मेरे पास पजल गेम होते हैं, जैसे ये बच्चों का जहन खुलता है, बच्चे टीवी मोबाइल से दूर रहते हैं, ये मैंने टी बना दिया, लेकिन आप बनाएंगे आपसे नहीं बनेगा, ये पजल होता है, ठीक है, ये पजल होता है, इसमें से रिंग निकालना होता है, क्या निकालना होता है, रिंग, ये रिंग निकालना होता है, ये पजल होता है हमारे पास, इसमें से दिल निकालना होता है, जब आप निकालेंगे तो ये आपसे नहीं निकलेगा, बच्चों का जहन खुलता है, ये इस टाइप की चीज़ें, ये पजल वाले गेम है सारे मेरे पास, ये बॉक्स है, आप किसी के सामने खोल दे, बंद करके दे दे, सामने वाले से डब्बा वो दिन भर लगा रहे, उससे नहीं खुलेगा, ठीक है, उसके बाद मेरे पास ये होता है, ये इस मैजिक के मैजिशियन हजारों रुपए ले लेते हैं, मैं फुटपाथ के ऊपर 100, 200, 300 रुपए में बेचता हूँ, आप देखिए शादी ब्याह सालगिरह वगैरह में दिखा तो आपको हैरत हो जाएगी, ये मेरे पास सादे कागज है, कुछ नज़र आ रहा है, नहीं, बिल्कुल सादे, हाथ पे कुछ है, कुछ भी नहीं है, सादे कागज में एक बंदे के हाथ में रख देता हूँ, क्या रखता हूँ, सादे कागज, जब मैं निकालता हूँ तो नोट बन जाता है, जबरदस्त, आप दिखा सकते हैं, हाँ, नोट हाथ में भी दे सकते हैं, कोई अगर एतराज करे तो उसके हाथ में दे दे भाई, देख लो, चेक कर सकते हैं, और सादे कागज भी उसके हाथ में दे सकते हैं, ये मैजिक होता है, मशहूर मैजिक है हमारे पास, ये डिबिया है, गौर से देखे, इसको बंद करेंगे, इसके अंदर कोई चीज़ जाएगी, एक मक्खी भी नहीं जाएगी, अगर कोई शख्स डाल दे मैं 1000 रुपये इनाम दूंगा, जब तक आप ढकना नहीं खोलेंगे इसके अंदर कोई चीज़ नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, आपके सामने हम इस डिबिया को बंद करेंगे और लगाएंगे रबड़, ये देखिए, जो करेंगे पूरे लोगों के सामने करेंगे, आप ये देखिए, इसको इस तरह से हम डिबिया को कर देंगे बंद, डिबिया हो गया बंद बिल्कुल, इसमें जब तक रबड़ नहीं खोलेंगे ये ढकना नहीं खुलेगा, ढकना नहीं खुलेगा तो इसके अंदर कोई चीज़ नहीं जाएगी, मैं इतना बड़ा बॉल डालूंगा इस बंद डिबिया के अंदर, जा सकती है कोई जगह नहीं, जब मैं मैजिक करता हूँ गेंद अंदर चला जाए, जबरदस्त भाई, ये रुमाल है, अब इस खाली रुमाल को इस मुट्ठी के अंदर डालूंगा, किधर डालूंगा, खाली मुट्ठी, आपके संग रुमाल मैंने कहाँ डाला, मुट्ठी में, जब मैजिक करेंगे रुमाल हाथ से गायब होगा, रुमाल से, ये देखिए, वाह यार वाह जबरदस्त, ये दिखाया आप, ये दो सिक्के होते हैं, हर जगह मिलते हैं, कहीं से भी लेंगे, सही, जब मैजिक करता हूँ तो ये जुड़ जाता है, सिक्का जुड़ गया, आप इसको घुमा भी सकते हैं, जबरदस्त, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं, ताश होता है, ये फ्रेम है, फ्रेम में एक नोट, ये निकाल कर हम जेब में रख लेते हैं, फ्रेम हो गया खाली, फ्रेम में अभी कुछ नहीं, जब मैं मैजिक करता हूँ इसके अंदर तो मैजिक से नोट आ गया, आप इस देख सकते हैं इसमें नोट है, जब मैं दोबारा मैजिक करता हूँ तो ये नोट वापिस हमारी जेब में आ गया, ये आम कपड़े हैं, कहीं से भी ले ले, किसी का भी ले ले, ये ओरिजिनल आ गए, छू भी सकते हैं आप, चेक भी कर सकते हैं, जबरदस्त, अब मैं कपड़े पे लगाऊंगा, ये धागा नहीं जलेगा, ये देख सकते हैं, सही, जल रहा है नहीं, बिल्कुल, ये किसी के भी कपड़े में कर सकते हैं, सही, कहीं ये माचिस वाला होता है, ये आम माचिस है, दुनिया में हर जगह मिलता है, आप कहीं से भी ले लें, सही, आप दिखाना, तीली आप कहीं से भी जला सकते, तीली आप हवा से भी जला सकते, तीली भी आपका होगा, आप किसी भी जगह से, अब जैसे ये आप चाहें तो इस तीली को हवा से भी जला सकते, ये तीली पकड़ा आपने हवा में झटके दिए तो ये तीली हवा से भी जबरदस्त, ये करीब से भी जला के दिखा देते हैं आपको, ये जबरदस्त, इधर भी खाली है, इधर भी दिखा, बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सही, इसमें कुछ भी नहीं, जब हम इस जब मैं मैजिक करूँगा तो इसमें चीज़ें आ जाएंगी, लोग हैरत करते हैं कि यार ये क्या है, अब इस खाली फ्रेम को मैजिक करेंगे, 1, 2, 3 तो ये इसमें से जबरदस्त, आप इसके अंदर कोई भी चीज़ रख दे, नोट रख दे, ये रुमाल रख दे, ये ताश के पत्ते रख दे, ये कुछ भी रख दे, जब दोबारा मैजिक करेंगे इसको तो इसमें से सारी चीज़ें गायब हो जाएगी, कोई चीज़ गिरता हुआ दिखा दी आप कि ज़मीन पे ये गिरा, आप कुछ भी इसके अंदर डालेंगे ये गायब हो जाएगा, उसके बाद एक और दिखाते हैं आपको, ये पत्ते, ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास 4 प्लेन पत्ते हैं, ठीक है, इसको बंद करते हैं, एक प्लेन निकाल देते हैं और एक हम कलर वाला लगा देते हैं,
जब कलर वाले लगाते हैं तो सारे कलर आ जाते हैं, बादशाह के आने में सारे आ जाते हैं। ये सारे कलर वाले पत्ता चेक भी करा सकते हैं, ये देखिए आप सारे कलर वाले हैं, कोई चेक करना चाहे तो उसको दे दे चेक कर। जब दोबारा वाइट लगाता हूँ, एक वाइट लगाने से सारे वाइट हो जाते हैं, सारे वाइट हो गए, जबरदस्त। अभी जन ये फ्रेम में देख सकते हैं, कार्ड चार नंबर सही, इधर से भी देखेंगे ये कार्ड सही, ठीक है, क्या दिख रहा चार नंबर। जब मैं इसमें मैजिक करता हूँ, इस कार्ड को मैजिक करता हूँ तो ये चेंज हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये गुलाम बन जाता है। वाह ताज वाह, वाह ताज वाह, जबरदस्त जबरदस्त, ताज वाह जबरदस्त। तो जनाब आखिर में गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे आप? गवर्नमेंट को यही कहना चाहेंगे कि हमें मौका दिया जाए, हमें सपोर्ट किया जाए, हम बाहर जाके भी ये काम कर सकते हैं। जैसे दुबई में फेस्टिवल लगता है जी, हमें अगर वहाँ जगह गवर्नमेंट दिला दे फेस्टिवल में तो हम पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। फेस्टिवल के अंदर पूरे दुनिया के लोग आते हैं, पूरे ममालिक के। जब मैं वहाँ मैजिक दिखाऊंगा तो काफ़ी मुल्कों के लोग देखेंगे, वीडियो बनाएंगे, अपने मुल्क में ले जाएंगे कि बोले पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। और मैं ऐसी चीज़ें करूँगा, मेरे पास कोई कीमती चीज़ें नहीं है, ये लाइटर है, ये 20 रुपए की हर जगह मिलती है, ये माचिस है हर घर में होता है, ये कपड़े हैं, ये ताश के पत्ते हैं। मैं ऐसी चीज़ों से मैजिक करता हूँ जो फ्री है, फ्री है, फ्री है। और जो बड़े म्यूजिशियन दिखाते हैं उनके पास लाखों का सामान होता है, वो सामान की वजह से मैजिक दिखाते हैं। वैसे मैजिक मैं भी दिखा सकता हूँ, 4 लाख रुपए का डब्बा बनाएंगे तो लड़की गायब हो जाएगी, तो कपड़े बदल जाएंगे, तो वो चीज़ें हो सकती है, हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है। सही है। हम आइसक्रीम के डंडी, डिस्पोजल गिलास, जैसे ये गिलास है, ये आइडिया मैंने लगाया डिस्पोजल गिलास से। जो चीज़ें लोग फेंक देते, जैसे अखबार है, मैं अखबार से भी मैजिक दिखा सकता हूँ। अखबार लोग ज़मीनों में फेंक देते, इधर उधर पड़ा हुआ होता, घरों में पड़ा हुआ होता। सही। तो मैं उन चीज़ों से मैजिक करता हूँ जो चीज़ों की कीमत नहीं है, जो आज तक किसी ने की भी ना हो। आप कचरे से मैं मैजिक करता हूँ, एक तरह से आप बोले तो कचरे से। गवर्नमेंट से भी अपील है भाई, ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए, ऐसे लोगों की सपोर्ट करनी चाहिए ताकि ये नेक्स्ट टाइम एक अच्छे से अच्छा कॉन्टैक्ट दिखा सकें और अच्छा मैजिक लोगों तक पहुँचा सके। मैक्सिमम इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई की सपोर्ट हो सके। ताज भाई ये बता दें, जैसे आप माशाल्लाह से मैजिक करते हैं, तो अगर आपको कोई मिसाल के तौर पे जैसे स्कूल में बच्चों के फंक्शन होते हैं या घर में ऐसी पार्टियां होती हैं, तो अगर आपको बुलाना चाहे तो क्या आपके चार्जेस होंगे, आप जा सकते हैं उधर? मैं वहाँ पे जा सकता हूँ प्रोग्राम में, और चार्जेस है कि ये लोगों के ऊपर है। आपको मैं गरीब स्कूल में जाता हूँ तो वहाँ चार्जेस नहीं लेता, फ्री दिखाता हूँ। क्योंकि वो स्कूल वाले पहले मुझे बुलाते थे, मैंने उनसे कहा कि क्या बात है आजकल, बोले यार आजकल बच्चों की ये कि मेरी फीसें ही नहीं दे रहे तो मैं आपको इसलिए नहीं बुला रहा हूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं है, हम फ्री में 1 घंटे मैजिक दिखा देंगे बच्चों को। बड़े स्कूल वाले अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद पैसे दे देते हैं मेरे सोच से ज़्यादा। तो अगर कोई गरीब स्कूल है तो आप पता है सेंड कर दें, मेरे बल्दिया औरंगी कच्ची आबादी जहाँ पे, तो वो आप पता सेंड कर दें मेरे मोबाइल पे, या मुझे फ़ोन करके बता दें कि यार इस जगह पे ये स्कूल है, या 60-70 बच्चे बहुत गरीब है, तो मैं 1 घंटा फ्री में, क्योंकि मैं सुबह 1 बजे यहाँ आता हूँ, सुबह मैं ऐसी जगहों पे चला जाता हूँ, इस वजह कर यहाँ की टाइमिंग मैंने 1 बजे रखी है कि मेरे पास कॉल आ गया यार फलानी स्कूल है, तो मैं 1 घंटा फ्री में शो करके आ जाता हूँ, मुझे 1 रुपये नहीं चाहिए। माशाल्लाह से यार आपने ताज भाई का जज्बा देखा, ये असल पाकिस्तानी यार, इसके जज्बे को यार हम तो दोनों हाथों से सलाम करते हैं यार। अच्छा ताज भाई ये बताएं, मेरा का एड्रेस बताएं, आप कौन से यहाँ पते हैं? मेरा पता बिल्कुल आसान है, कराची का मशहूर बाजार है गोल्डन मार्केट, थोड़ी गार्डन, मेमन मस्जिद वाली गली। अच्छा, शाह साहब की मस्जिद है। कॉन्टैक्ट नंबर भी बता, मेरा नंबर 03433336241। आप इस नंबर पर कॉल करके किसी स्कूल का वो बता सकते हैं यार फलानी जगह है, तो मैं वहाँ फ्री। और इसके अलावा हमारे पास कुछ डोनेट होते हैं तो मैं उन बच्चों को लेस, डेयरी मिल्क ये भी बांटता हूँ, क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ ताउन करते हैं, डोनेट देते हैं। मैं बोलता यार मुझे फलानी स्कूल में जाने, तो लोग मुझे अब वो मुझे कॉल पे बता देंगे ना कि यार 50 बच्चे, तो मैं 50 डेयरी मिल्क और 50 लेस लेके जाऊँगा, मैं उनको मैजिक दिखाऊँगा और उनको ये भी दूँगा। क्यों, उन बच्चों को 5 रुपये मिलते हैं जो गरीब स्कूल में आते हैं, ना वो 50 रुपये का लेस ले सकते ना डेयरी मिल्क ले सकते, उन्होंने 2 रुपये वाली चॉकलेट लेते हैं, तो 5 रुपये वाली पापड़। कच्ची आबादियों को जी बिकता, जो मैंने बच्चों से पूछा, जो बच्चों ने मुझे बताया कि मुझे 5 रुपये मिलते हम ये खाते, तो गरीब क्यों का भी हक है, तो लोग कुछ डोनेट करते हैं मुझे, मैं जाता हूँ तो ये पैसे से उन बच्चों की हो जाती है। और आगे हमारा इंशाल्लाह जिस तरह लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, तो मेरा एक इदारा बनाने का जहन में है काफ़ी सालों से, कि मैं अपनी वालदा के नाम से एक ट्रस्ट बनाऊँ, रिजवाना वेलफेयर ट्रस्ट,
तो इंशाल्लाह अगर ये सिलसिला चलेगा तो मैं अपने इदारे को रजिस्टर कराऊंगा। और जो लोग इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, अभी तक तो मैंने पैसे की डिमांड नहीं की, अब जो मैं इंटरव्यू दूंगा तो लोग मेरे इदारे को डोनेट करेंगे, भले 500 करें 5000 करें, ताकि इस पैसों से मैं कि बच्चों की मदद, एजुकेशनल, कुछ बच्चों के यूनिफॉर्म नहीं है, जूते फटे हुए, मुझे देख के बहुत दुख आता है, जब मैं स्कूलों में जाता हूँ तो मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है। तो इस वजह कर जो भी लोग इंटरव्यू के लिए आए, बराए मेहरबानी जो हो सके, हमारी कोई डिमांड नहीं है, सही, आप ताकि उन पैसे से ये नेक काम में, मैं इंटरव्यू के पैसे नहीं ले रहा ना कोई चैनल, मैंने 50 इंटरव्यू दी है लेकिन किसी से पैसे का मुतालबा नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब ये है कि आप थोड़ी मदद करें मेरी, तो नेकी की उम्र लंबी होती है, बस आप ये जहन में रखें और नेकी करते जाएं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसका सिला ज़रूर देगा आपको। आपके 1500 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी गरीब के लिए 1000 रुपये बहुत अहमियत रखती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आपकी ये ख्वाब है टेस्ट वाला, अल्लाह आपको, हाँ इंशाल्लाह मैं ट्रस्ट जल्दी होगा, लोग कोऑपरेट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह इदारा, फिर इस इदारे से मैं गरीबों को छोटे छोटे काम करूँगा। एक रेडी है 15000 रुपये की, ये गरीब आदमी किराए पर लिया हुआ, वो 50 रुपये रोज़ देता है किराया, अगर उसको मैं 15000 की रेडी खरीद के दे दूँ तो ये है कि 50 रुपये से उस बच्चों के लिए चीज़ें ले जाएगा। तो हमारे जहन में जो आइडिया है सर, छोटे छोटे 20000 10000 25000, गरीब आदमी को ना डिफेंस में बंगला चाहिए ना पराठो गाड़ी चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको बच्चों की फीसों का है, छोटी छोटी चीज़ों के मसाइल हैं। ठीक है जी, शुक्रिया, जजाक।